केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ किसानों की बड़ी गोलबंदी शुरू हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन इसी सिलसिले में आयोजित हुआ। गैर दलीय किसान संगठनों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले 10 महीनों से देश की राजधानी दिल्ली के बाहर किसान डेरा डाले बैठे हैं। किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और उसे समर्थन देने के लिए बिहार में किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सूबे बिहार के किसान गोलबंद हो रहे हैं। किसानों के जो सवाल हैं, बिहार में किसानों के सवालों को मजबूती से उठाने के लिए, देश में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए, मंथन करने के लिए आज बिहार के गैर दलीय जो किसान संगठन है और किसान है उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। एक साझा प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि बिहार में भी किसान संयुक्त किसान मोर्चा की इकाई गठन में ये सारे गैर दलीय संगठन के लोग भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और बिहार के जो किसानों के सवाल हैं और राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा है दोनों को बीच में एक साथ मिल के बिहार में भी बड़ा कृषि आंदोलन और किसानों का आंदोलन एक खड़ा किया जाएगा। उसी सरकार की मंशा ही नहीं है बनने के लिए कानून, किसी कानून को वापस लेने का, और अगर ये लेने का अगर इसका मंशा रहता तो 10.5 महीना से जो किसान पूरे देश का दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है वो आज इस आंदोलन में जो कुचलने के लिए कुचक रच करके साजिश के तहत कॉन्फ्रेंसी के तहत किसानों पर जो हमला हो रहा है, क्या वो खीरीपुर घटना उत्तर प्रदेश का जो आप लोग देख रहे हैं, ये कहाँ का ये न्याय है, कैसी सरकार है ये? इसी सिलसिले में रविवार को पटना में गैर दलीय किसान संगठनों का राज्य स्तरीय कन्वेंशन बुलाया गया। पटना के दरोगा राय भवन में आयोजित कन्वेंशन में बिहार के कोने कोने से सैकड़ों किसान पटना पहुंचे। किसानों ने मांग की है कि सरकार तीन कृषि कानूनों को अविलंब वापस ले और MSP की गारंटी के लिए कानून बनाए। इस मौके पर किसानों ने कहा कि देश का किसान अब जग गया है और अपने हक की लड़ाई लड़ना जान गया है। प्रगतिशील किसान संघ के लोग हैं और जो तीन कृषि काला कानून बना है इसके विरोध में हम लोग, जब तक तीनों कृषि काला कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक दिल्ली में भी आंदोलन चलता रहेगा और जिस तरह से दिल्ली में तीनों बॉर्डर पर चल रहा है उसी तरह से हम लोग को पूर्ण तैयारी है कि पूरा बिहार में तैयारी उसी ढंग से करेंगे। पैदल जा करके दिल्ली किसान के समर्थन करेंगे और जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेगा तब तक हर जगह आंदोलन चलते रहेगा, जितना संभव होगा हम लोग चलाते रहेंगे। बहरहाल बिहार में किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ी गोलबंदी शुरू हो गई है। बिहार के किसानों ने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार देश भर में बड़े आंदोलन का सामना करने को तैयार रहे। बिहार में किसानों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ लाइव। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। ऐसे ही अपडेट हम हमेशा आपको देते रहेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।